हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 2 और 3 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी कल मनाया गया था, परसों, है ना, 1 मार्च को। थीम क्या रहा इस डे का? सेव लाइव्स, डिस्क्रिमिन लाइव्स। तो आपने थीम्स ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ है, ये भी डे के बारे में बात की जा रही है। 3-4 दिन पहले एक दिन मनाया गया था जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, सो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? सिंस 2020, 2020 से मनाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। नेशनल प्रोटीन डे है तो प्रोटीन्स के बेनिफिट्स क्या है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, ये हमें हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 वॉन बाय किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, वॉन फॉर द 6th टाइम। 6th बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के ये कप जीता है। याद रखना है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ओके। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। तो वैसे हम फोर्थ न्यूज़ पढ़ भी चुके हैं, बट ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इस न्यूज़ को मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिखा है। वैसे कल या परसों हमने ये पढ़ा था, दैट क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क हु इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया। क्राउन प्रिंस, इनकी वाइफ डेनमार्क से जो हैं, ये इंडिया आए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका बात ये है कि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रिंस है तो ऑब्वियसली रॉयल फैमिली जो है वहाँ की उनसे बिलोंग करते हैं। नाउ पिछले 20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रॉयल फैमिली से कोई पर्सन इंडिया विजिट किया हो, तो इस बार ऐसा हुआ है। तो पिछले मतलब ऐसे है ना कि 20 सालों के हिस्ट्री में पहली बार ये चीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे होना चाहिए था क्वेश्चन, क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री, है ना, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार पढ़ाया है, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे क्राउन प्रिंस का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। G20 की मीटिंग्स खत्म ही नहीं हो रही है ना। अब जैसे कुछ मीटिंग्स हैं वो 4-4 मीटिंग्स होनी है एक साल में, तो फर्स्ट मीटिंग उनकी हो गई, अब सेकेंड मीटिंग हो रही है। तो इस तरह से सब कुछ मैं आपको बताऊंगी टॉपिक ऑफ द डे में। अभी मीटिंग्स हो रही है ना, तो अभी उनको पढ़ के फायदा नहीं सबको। जब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा जैसे कुछ टाइम बाद, फिर हम पढ़ेंगे इन मीटिंग्स को, ठीक है। सो हम अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। G20 मीटिंग ऑफ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बिगेन इन विच प्लेस? गुरुग्राम हरियाणा में हुई है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की स्टार्टिंग। G20 के अंडर है। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, इसके प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है, तो इसके अंडर जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी इंडिया में हो रही हैं, ठीक है। एड्रेस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने जो है इस मीटिंग को स्टार्ट किया है, एड्रेस किया है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल PIB। PIB क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं। कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, इस तरह की अपॉइंटमेंट्स पेपरों में आती हैं। राजेश मल्होत्रा बने हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज का लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो आज का 7th पॉइंट है नाइजीरियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉन बाय। नाइजीरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, यानी कौन प्रेसिडेंट बनेगा इसके लिए इलेक्शन हुए, तो किसने जीते हैं? बोला टिनुबू ने जीते हैं, ठीक है। अब ये जो है न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं नाइजीरिया के, तो मैप में एक बार देखें कि नाइजीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ जैसे है, ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न में, नॉर्दर्न में, सदर्न में, कहाँ है, ठीक है। बाकी मैप पे एक बार जरूर देखें। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, दैट नाइजीरिया इज अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीका हमारा इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों इमेजिनरी लाइन्स या कह लीजिए लैटिट्यूड्स जो हैं वो पास होते हैं, ठीक है। नाउ अफ्रीका का आपको पता चल गया, आपको मैप में पता होना चाहिए अफ्रीका कहाँ है। ऐसा नहीं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका में डिफरेंस ही नहीं पता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे होते हैं ना कि बीटेक वाले या इंजीनियरिंग वाले, थोड़ा सा आर्ट्स में इनको प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि पहले स्कूल में पढ़ा है, वो भी रटाफिकेशन मेथड से पढ़ा है, समझा कुछ नहीं, भूल चुके होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आर्ट्स वालों को काफ़ी हेल्प हो जाती है, नो डाउट। सो नाइजीरिया जो है अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है और अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ठीक है।
चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसकी कम वैल्यू हो, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स पे आपने फोकस रखना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 8th पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर इन विच स्टेट। जो आयुष मिनिस्ट्री है इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई है पहली मीटिंग या पहला चिंतन शिविर, ठीक है, कहाँ पे? असम में। असम में कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। सो काजीरंगा नेशनल पार्क, वैसे हम नेशनल पार्क्स भी कभी पढ़ेंगे तो मैं वहां से आपको अच्छे से कुछ कुछ ट्रिक्स मेरे पास है, कुछ कुछ स्टेट्स के, कुछ की नहीं है, तो जो है उनको तो हम कर ही सकते हैं ना। सो चिंतन शिविर जो है असम में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब ये आयुष मिनिस्ट्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हल्का सा मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाकी टॉपिक ऑफ द डे में इसको अच्छे से कवर करेंगे। सो आयुष में हर एक अल्फाबेट जो है इट स्टैंड्स फॉर समथिंग, जैसे कि ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा। सो आयुष की फुल फॉर्म क्या बनती है? आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। लेट मी करेक्ट इट, आप इसे ए ना समझें, ये डी है, ठीक है। सो ये हो गई आयुष की फुल फॉर्म। और ये जो चिंतन शिविर है इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बनंदा सोनोवाल। जो सर्बनंदा सोनोवाल है, यूनियन मिनिस्टर है आयुष के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको, ठीक है। चलिए एट्थ पॉइंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके नोट्स जरूर बनाए। देखिए नोट्स के लिए मैं बार बार फोकस करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। किसी भी एक वेबसाइट पर आपको 4 या 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो मुझे अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है, अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू नोट्स बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का फायदा हो, आपको भटकना नहीं पड़े कि हाँ ये हमें इस YouTube चैनल से पढ़ना है, अब हमें न्यूज़पेपर से पढ़ना है, हमें वेबसाइट से पढ़ना है, आपको एक जगह पे सारी न्यूज़ मिल रही है। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ मैं कम एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहें, आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है लेकिन कम एक्सप्लेन हुआ है, तो आप उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करें, बाकी हम थोड़ा बहुत खुद देख लेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब जैसे आज हम 2 और 3 मार्च की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें अगर कुछ पिछला भी छूट गया वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर जैसे मान लीजिए 1 मार्च का या 28 फरवरी का कुछ रह गया तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, है ना, ताकि आप लोगों को कोई लॉस ना हो। क्योंकि एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि हाँ जी ये तो 2 मार्च के न्यूज़ थे और आपने इसमें 1 मार्च के लिखे हैं, नहीं, वो तो ये पूछेगा कि आपको आना चाहिए, है ना, आपका आंसर सही होना चाहिए और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए बातें थोड़ी ज्यादा हो गई, अब हम पढ़ते हैं आज का 9th पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट पता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो मैप में देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कौन सा है। 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना। सो यहाँ पे इन स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। नाउ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसको CNG से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सो ये खुला कहाँ पे है? ये खुला है सोनापुर, कामरूप डिस्ट्रिक्ट, असम में। इनॉग्रेटेड बाय, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? जो असम के CM है, कौन है? हिमंत बिस्व शर्मा। हमने बहुत बार इनके बारे में पढ़ा है, कुछ ना कुछ रहती है असम से रिलेटेड न्यूज, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। नाउ CNG क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG व्हीकल्स भी आए हैं, है ना। सो ये अलग चीज है, ये है CBG। CBG क्या है? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। क्या है इसकी, क्या काम करता है ये? प्रोड्यूस फ्रॉम द वेस्ट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कैटल डंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्सेट्रा। सो इसमें हम यूज किसका करते हैं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में? जो वेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे गाय का गोबर, है ना, म्यूनिसिपल जो सॉलिड कूड़ा कचरा है, जो म्यूनिसिपल आते हैं ना वो कार वाले और घर घर से कूड़ा लेकर जाते हैं, आई डोंट नो आपके एरिया में कैसे होता है, बट यहाँ ऐसे होते हैं वैन वाले आते हैं, फिर वो कूड़ा लेकर जाते हैं, सूखा गीला कूड़ा गीला, है ना, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, ऐसे करके कुछ कुछ होता है उसमें, तो वैसे वो लेके जाते हैं। तो वो जो सॉलिड वेस्ट होता है ना उसमें से जो है ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया गया है, उसमें से कन्वर्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, दैट अर्जेंटीना ओपन टाइटल वॉन बाय, ये जो ओपन टाइटल है अर्जेंटीना का किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ही इज फ्रॉम स्पेन, ठीक है। ये एक एनुअल टेनिस इवेंट है, तो यस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अर्जेंटीना कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए काम है, खुद से देखें। दूसरा, ये एनुअल टेनिस इवेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेनिस से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, पोलो से रिलेटेड, किस गेम से रिलेटेड है, क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक ऑफ द डे में कराया भी है ना। सो अर्जेंटीना ओपन टाइटल जो है टेनिस से रिलेटेड है, ओरिजिनली कॉल्ड द ATP ब्यूनोज़ आयर्स, ATP इसको पहले कहते थे, ठीक है।
चलिए इसी के साथ इस पेज का लास्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दीजिएगा। आज का इस पेज का 11th पॉइंट है, स्टेट दैट वन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है। बाय किसने दिया है? इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे। ये किसने दिया है या कोई इंडेक्स है, किसने रिलीज किया, ये क्वेश्चन भी ट्रेंड में है, ठीक है। टॉप किसने किया है, इंडेक्स है कोई तो टॉप किसने किया है, इंडिया का रैंक क्या रहा, पिछले साल इंडिया का रैंक क्या था, अब इस साल इंप्रूव हुआ है कि कम हुआ है, कितना इंप्रूव हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, वैसे वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्लस वो रैंकिंग किसने रिलीज किया है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा दिया गया है। इन रिकॉग्निशन क्यों दिया गया है? In recognition of its efforts in promoting Gulmarg as an adventure destination of international level, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने प्रमोट किया गुलमर्ग है यहाँ पे, ठीक है, गुलमर्ग को एडवेंचर डेस्टिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो उस प्रमोशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने दिया है, राइट। इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड पेज था ये भी हो गया कंप्लीट। इस पेज पे हमने चार पॉइंट्स पढ़े, बट चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक जो पॉइंट है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, नेग्लेक्ट ना करें, नोट जरूर बनाएं। और चलिए सेकेंड पेज हुआ कंप्लीट, अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 12th पॉइंट है, फोर हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 वन बाय। चार जो है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड जीते हैं कौन सी मूवी ने? RRR, ट्रिपल आर करके बहुत बार पढ़ा है, ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। डायरेक्ट किसने किया है इस मूवी को? SS राजामौली ने, ठीक है। अब ये चार इन्होंने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स जीते हैं 2023 के, तो किस किस कैटेगरी में? बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट स्टंट्स कैटेगरी, ठीक है। तो RRR SS राजामौली, मुझे लगता है ये तो आपके लिप्स पे बिल्कुल रट गया होगा, है ना, हमने इतनी बार पढ़ चुके हैं, अगर आप मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं पिछले एक दो महीने से तो इतनी बार इनका जिक्र हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, 13th पॉइंट आज का पढ़ते हैं। यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात की जा रही है, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 बिगेनिंग। पहली चीज़ तो 3 दिनों का फेस्टिवल है, दूसरा अगर आपको पता है एलोरा अजंता केव्स कहाँ है तो आप हल्का सा आइडिया भी लगा सकते हैं अगर आपने नहीं भी ये न्यूज़ पढ़ी हो, ठीक है। ये जो केव्स हैं ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक रह रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ करेंगे। सो जो ये एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल है महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है, 3 दिनों का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र में कहाँ पे? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नाउ 14th पॉइंट की बात करते हैं, कोल जनजाति महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड एट। ये जो कोल जनजाति महाकुंभ है ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? सतना MP में, एड्रेस्ड बाय, एड्रेस किसने किया है इसको? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15th पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन इन द साउथ, यानी जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ठीक है, वहां पे पहला पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे है, खोला गया है या है, तो वो है सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना कभी भी अलग से स्टेट नहीं था, वो एक साथ था, आंध्र प्रदेश के अंडर था, बट फिर बाइफिकेशन हुई, आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, तेलंगाना को अलग किया गया। एक्चुअल में इनकी कैपिटल हैदराबाद थी, फिर वो भी इनको मिली तेलंगाना को, उनको कहा कि आप अमरावती को बनाइए, फिर आगे बहुत कुछ हुआ कि अब वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं कुछ, तो वो अलग अपनी कैपिटल बना रहे हैं। वो भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश ने प्रपोजल दिया कि तीन उन्होंने कैपिटल्स बताई थी कि हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग, बट जो कोर्ट था उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ये सब पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है, इसलिए मैं हल्का सा रिवाइज करवा रही हूँ, तो आई होप आपको ध्यान में होगा। तो बस क्वेश्चन याद रखना है, पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन साउथ में कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी न्यूज़ कंप्लीट। सो 16th पॉइंट है, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अब आप सोचेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, दूसरी बार हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो देखिए सेकंड हुई है ये G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इससे पहले G20 फॉरेन चीफ्स मीटिंग थी, कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। अब ये G20 का मैंने आपको बताया कि G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली है इंडिया को, ठीक है, तो वो किस क्या थीम है, क्या थीम रखा है इंडिया ने, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी टेक्स प्लेस अंडर द थीम रखा है हमने वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर, हिंदी में बोले तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अब आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।